होमगार्ड की पूरी खबर क्या है, क्या ये सच है, फॉर्म कब तक निकलेंगे, क्या इसकी योग्यता होती है, क्या बेनिफिट है, क्या होमगार्ड में जॉब लगने के बाद आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्या इसकी आयु होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो उस पर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। बाकी जैसे ही इसका पूरा फॉर्म एप्लीकेशन वाला आवेदन वाला विकल्प पूरा निकलता है ऑफिशियल, तो इसके आगे की चीजों को और भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होम गार्ड के वैकेंसी के बारे में, है ना। तो केवल प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली हैं, जिनकी भर्तियां जल्दी ही होंगी। मतलब ये मान के चलो कि 2024 के अंत तक आपको काफी सारी वैकेंसी आती हुई नजर आएंगी, जिसके पेपर या तो 2024 के दिसंबर में होते हुए दिखेंगे या फिर इसके पेपर जनवरी में भी देखने को मिल सकते हैं 2025 के। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई है, और होमगार्ड का काम क्या होता है, इन सब चीजों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, सुरक्षा दिखाना, ठीक है। सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड जवानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अभी वर्तमान में होमगार्ड विभाग के पास जवान ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इसी के आंकड़े के मुताबिक देखा गया, अगर मैं केवल बात करती हूं प्रयागराज के बारे में, तो कितने पद रिक्त होने चाहिए, 3800। महज कितने जवान अभी मुस्तैद हैं, 2500। तो केवल 1300 वैकेंसी तो प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। साथ ही में अगर आप देखो तो प्रयागराज में 1300 जवानों की भर्ती की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि 2018 कुंभ मेले में लगभग 12,000 होमगार्ड तैनात किए गए थे। इन जवानों को कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली समेत अन्य शहर से बुलाया गया था। अगले साल होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। तो महाकुंभ में बहुत सारे लोगों के आने की संभावना है, उसी को देखते हुए होमगार्ड की जो वैकेंसी है निकाली जाएगी, और आंकड़ा 20,000 से भी पार हो सकता है। केवल प्रयागराज में 1300 होमगार्ड के पद रिक्त हैं, और अगर देखो टोटल ओवरऑल मिलाकर तो ये 32,000 भर्तियां, लगभग 30,000 से ज्यादा ही भर्तियां आपकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। होमगार्ड डीआईजी संतोष सुचारी ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए जल्द ही भर्तियां निकालने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में करीब 2,500 होमगार्ड जवान की जिले में पोस्टिंग की गई है, और वीआईपी और ट्रैफिक पुलिस की अधिक तैनाती भी अगर आप देखो यहाँ पे, तो वीआईपी ड्यूटी से लेकर यातायात कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका होमगार्ड की होती है। जिनका काम होता है वो क्या होता है, वीआईपी ड्यूटी से लेकर जो आपका ये जो होता है ट्रैफिक कंट्रोल कह सकते हो, यातायात कंट्रोल करना, कहीं मेला है, कुंभ मेला है तो उसको कंट्रोल करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये काम है होमगार्ड का, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार इन्हीं दो जगह पर सबसे ज्यादा होमगार्ड की ड्यूटी लगती है, और इसी के तहत आपकी होमगार्ड की वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो टोटल वैकेंसी 32,000 के आसपास निकलेगी, जिसमें से 1300 केवल प्रयागराज में ही अंदर निकलेंगी। एग्जाम के कब तक होने की संभावना है, तो अगर मैं एग्जाम की बात करती हूं तो एग्जाम से पहले तो फॉर्म की बात कर लें, एग्जाम तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। फॉर्म की अगर मैं बात करती हूं, फॉर्म इसके निकल जाएंगे आपके, मान के चलो अभी चल रहा है क्या, जून एंड चल रहा है इसका, है ना, सितंबर के आसपास आपको इसके फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। पेपर जो है इसका, मतलब जो आप एग्जाम देखोगे इसका, जो भी होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, भर्ती करने की प्रक्रिया, वो दिसंबर या जनवरी हो सकता है वहां तक जाए। हालांकि ये जल्दी करेंगे, इतना लेट तो नहीं करने वाले, क्लियर। अगर मैं योग्यता की बात करती हूं तो योग्यता है 10वीं पास। बेसिकली पूरी डिटेल तभी आएगी जब आयोग की तरफ से फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है एक सर्विसमैन के लिए 10वीं पास है, बाकियों के लिए 12वीं पास है जो जनरल कैटेगरी होती है, और उसके बाद 10% आरक्षण होता है। यदि आप होम गार्ड में काम कर रहे हो, तैनात हो, तो अगर कांस्टेबल के, पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकलते हैं तो उसमें 10% आपकी क्या होती है, 10% आरक्षण मतलब मिल जाता है, एक तरीके से कह सकते हो रिजर्व होता है 10% होमगार्ड के लिए। तो ऐसा नहीं कि अगर आप होमगार्ड में फिक्स हो गए, आपने जगह ले ली, आपकी जॉब लग गई, तो पूरी जिंदगी भर आप आगे भी तैयारी कर सकते हो और उसका फायदा मिलता है आपको, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल होगी, जैसे भी होगी, वो मैं आपको आगे अगर कुछ भी पता चलता है सबसे पहले बता दूंगी। तो सबसे पहले जानकारी के लिए एक बार सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल, बिहार की बीएसएफ की आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ और एएलपी, तो आपके लिए एक इवेंट आ रहा है शंखनाद। शंखनाद से जुड़ना ना भूलें 26 जून सुबह 11 बजे विवेक सर के साथ। क्या है ये शंखनाद, क्या कुछ नया आपको एग्जामपुर में मिलने वाला है, ये पता चलेगा 23 जून सुबह 11 बजे। इवेंट बना चुका है तो इवेंट पर लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि 23 जून सुबह 11 बजे आप इवेंट से जुड़ सके। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको देती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कौन सा जॉब पाना आपका सपना है जरूर कमेंट में करके बताना, यूपी पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, कौन सी जॉब या रेलवे में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।